अस्सलाम वालेकुम क्लास टू डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथ टीचर। नाउ डिस्कस ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आज हमने डिस्कस करना है, लास्ट पेज पर दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं नोट्स पर। सैटरडे SATURDAY सैटरडे, नीट एक्यूरेट राइटिंग में सैटरडे मेंशन करना है। सैटरडे के बाद आपने करना है कोमा, कोमे के बाद टू एंड टू सेकेंड एंड लिखेंगे। 22nd अगस्त AUGUST अगस्त कोमा 2020 लास्ट पे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट 1 2 3 4 फोर ब्लॉक स्किप करके आपने लिखना है रिवियन REVISION रिवियन। रिवियन लिखने के बाद नेक्स्ट आपने वन ब्लॉक स्किप करके लिखना है फिल। ए फिल के बाद वन ब्लॉक स्किप करके इन, वन ब्लॉक स्किप करके दई, विन ब्लॉक स्किप करके ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर इन ब्लैंक्स लिखने के बाद आपने लिखना है वन, कंपोज से वन लेना है और क्रॉस का साइन देना, मल्टीप्लाई का साइन देना है। मल्टीप्लाई आगे वन ब्लॉक स्किप करके इज, वन ब्लॉक स्किप करके रीड, वन ब्लॉक स्किप करके एज, रीड एज, वन ब्लॉक स्किप करके ब्लैंक। अब आप वन है जैसा मल्टीप्लाई इज रीड एज टाइम, टाइम TIME टाइम। लास्ट आपने फुल स्टॉप देना है जो कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कंपोज से। सेकंड है डिवाइड का साइन दिया हुआ है इज स्टैंड इज रीड एज, क्या उसे क्या पढ़ते हैं रीड एज, से किस लिए यूज होता है डिवाइड बाय यानी डिवाइड ईडी। नेक्स्ट डिवाइडेड माइनर गैप देकर लिखेंगे बी वाई बाय बाय कोमा डिवाइडेड बाय के बाद फुल स्टॉप। थर्ड है हमारा डिवाइड स्टैंड फॉर, किसके लिए स्टैंड फॉर होता है डिवीजन के लिए, तो हम लिखेंगे डिवीजन DIVISION डिवीजन DIVISION डिवीजन। लास्ट से आपने फुल स्टॉप पर साइन देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आ वन ब्लॉक स्किप करके ट्राइंगल TRIANGLE ट्राइंगल, वन ब्लॉक स्किप करके आर ट्राइंगल के बाद वन ब्लॉक स्किप करके हैज, वन ब्लॉक स्किप करके लाइन यानी ब्लैंक, वन ब्लॉक स्किप करके लिखना है साइड SIDES साइड्स। आर ट्राइंगल हैज ब्लैंक साइड, जो एक ट्राइंगल होती है, ट्राइंगल की शेप आपको पता है ना इस तरीके से होती है, तो अब 1 2 3 साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ 3 मेंशन कर देंगे यानी 3 साइड्स। आर सर्कल हैज ब्लैंक साइड्स, आ लिखकर वन ब्लॉक स्किप करके सर्कल लिखना है, वन ब्लॉक स्किप करके हैज लिखना है, वन ब्लॉक स्किप करके ब्लैंक के लिए लाइन ड्रॉ करनी है कंपो से, वन ब्लॉक स्किप करके साइड्स लिखना है SIDES साइड्स एंड लास्ट पे फुल स्टॉप मेंशन करना है। आ सर्कल हैज ब्लैंक साइड, तो एक सर्कल की कितनी साइड होती हैं आपको पता है, सर्कल राउंड होता है, इसमें कोई साइड नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नो, NO साइड यानी उसकी कोई साइड नहीं होती। नेक्स्ट हमारी 6 है आ स्क्वायर, आ के बाद वन ब्लॉक स्किप करके स्क्वायर, वन ब्लॉक स्किप करके हैज, वन ब्लॉक स्किप करके ब्लैंक, वन ब्लॉक स्किप करके साइड यानी एक स्क्वायर। स्क्वायर कैसे होता है आपको यानी ऐसे होता है स्क्वायर, अब इसकी 1 2 3 4 साइड्स होती हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 साइड्स, 4 क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं तो 4। आर रेक्टेंगल, आ के बाद आपने वन ब्लॉक स्किप करके रेक्टेंगल लिखना है, वन ब्लॉक स्किप करके हैज ब्लैंक, वन ब्लॉक स्किप करके साइड्स, साइड्स के बाद आपने फुल स्टॉप दे देना है। अब एक रेक्टेंगल होता है वो उसकी शेप होती है इस तरीके से कुछ, अब देखिए इसकी कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4 4, तो हम यहाँ 4 मेंशन कर देंगे, 4 साइड्स, ये हमारा 4 मेंशन हो गया। द पॉइंट वेयर ब्लैंक साइड्स ज्वाइन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स, एक पॉइंट जहाँ जो साइड्स होती हैं वो ज्वाइंट करती हैं उसे क्या कहते हैं, कितनी साइड ज्वाइन करती हैं 2। देखिए अगर हम वर्टिक्स को देखें तो हमारा वर्टिक्स ये वर्टिक्स होता है, तो यहाँ 2 साइड्स ज्वाइन होती हैं वो हमारा वर्टिक्स होता है। तो द पॉइंट वर्ड ब्लैंक साइड्स ज्वाइंट इज कॉल्ड अ वर्टिक्स। वी कैन राइट ब्लैंक फॉर मीटर, अब हम मीटर को किससे मेंशन करते हैं एम से, तो हम यहाँ एम मेंशन कर देंगे और हमने ये पहले ही ड्रॉ किए हुए हैं, ये हमारा 9 ब्लैंक फिलिंग ब्लैंक 9 डन हो गया है। फिलिंग ब्लैंक 10 पर आ जाएंगे, 10 है हमारा वी कैन राइट ब्लैंक फॉर
किलोमीटर। अब हम किलोमीटर के लिए क्या यूज़ करते हैं, किलोमीटर के लिए जैसे कि किलो का के और सॉरी किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किलो का के एंड ग्राम का जी। तो हम यहाँ लिखेंगे के जी, के जी। तो ये हमारा 10 फिल इन द ब्लैंक्स यानी ऑब्जेक्टिव 10 डन हो गया है। तो सो स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।